नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो अभी देख सकते हैं कि सुबह के बज रहे हैं 5:58 और आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई हूँ कि वैसे अक्सर हाँ मैं इतनी सुबह नहीं उठती, 6 बजे तक उठती हूँ और उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने थे। लेकिन चलिए अभी आपको मैं ना सुबह सुबह का वो दिखाती हूँ जो बाहर का मौसम कैसा लग रहा है। तो आजकल ना थोड़ी थोड़ी ठंडी सी लगने लगी है, मतलब सुबह के टाइम अगर आप बाहर टहलने जाते हैं तब। वैसे घर के अंदर तो गर्मी ही लग रही है और सुबह अभी मतलब बाहर अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और सूरज भगवान निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए घर में तो अभी लाइट वाइट जलाऊंगी और ये जगह जो मैंने कल डेकोरेट किया था वो ऐसा ही रखा है। तो सबसे पहले जो मेरा काम है वो है सफाई का। तो सबसे पहले मैं भगवान रूम में और जहाँ पे पूजा करूंगी वहाँ पर गंगाजल के साथ पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल के मैं जैसे पूजा करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जहाँ पे भी पूजा करनी होती है ना, या मंदिर हो आपके पास या नहीं भी हो, या किसी कोई जगह आपने सेट कर रखा हो, तो वहाँ पर ना थोड़ा सा गंगाजल छिड़क के या पानी के अंदर हल्का सा गंगाजल डाल के फिर आप किसी साफ कपड़े से, जो रोजाना के पोछा होता है ना उससे नहीं, कोई अलग सा कपड़ा ले लें। जैसे कि मैंने भी देख सकते हैं कि अलग सा कपड़ा लगाया हुआ है और बस उससे ना आप पोछा लगाएं। तो गंगाजल जरूर सिक्त करना होता है, बोलते हैं सिक्त करना होता है, तो जरूर गंगाजल छिड़के चाहे पोछा लगाने के बाद या पोछे के साथ ही। बस उसके बाद जो है जहाँ पे मैं पूजा करूँगी वहाँ पे भी पोछा लगा लिया और पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं ना मतलब ये जो लंबे वाले जो वाइपर होते हैं ना उस पे कपड़ा लगा के पोछा लगा रही हूँ, तो इससे जल्दी जल्दी हो जाता है ना। और बस घर तो साफ़ ही था, कोई खास गंदा था भी नहीं, तो मैंने पोछा लगा लिया। उसके बाद मुझे करना है आज किचन की भी सफाई, क्योंकि किचन में जैसे सब तरह के खाना वाना बनते हैं। तो अब व्रत वाला तो नहीं, लेकिन हाँ बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा तो उसकी वजह से, और मतलब थोड़ा क्लीन करना होता है क्योंकि हर टाइम हम लोग लहसुन प्याज वगैरह चीज़ खाते रहते हैं। तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप प्याज नहीं खा सकते या लहसुन नहीं खा सकते, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर तो मतलब ऐसा है कि बंगाली कल्चर में तो सब कुछ खाते पीते हैं, लेकिन हम लोग जो नियम करते आ गए हैं तो वो नियम करेंगे। तो वैसे भी कहते हैं त्यौहार के टाइम पे थोड़ी सी क्लीनिंग तो ज़रूर करनी चाहिए, तो वही सारी क्लीनिंग हो रही है। तो किचन तो ज़रूर मैं क्लीन करना चाह रही थी और मतलब ऐसे हुआ कि थोड़ा सा मतलब साबुन लगा के जो विम लिक्विड होता है ना वो डाल के और फिर नए ब्रश से मैंने सारा सफाई कर लिया। तो अच्छे से मैंने करने के बाद ही नहाने के लिए जाऊँगी। उसके बाद जो स्लैब के ऊपर रखी हुई कुछ चीज़ें होती हैं उन सबको क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो मेरा ये जो रोलिंग ट्रे है जिस पर मैं रखती हूँ कुछ चीज़ें, तो वो भी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ कर लूँगी, बाकी चीज़ें बाद में करके आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज के लिए जितना ज़रूरी था मैंने सोचा फटाफट कर लूँ, क्योंकि पूजा का भी टाइम ऐसे होता है 10:30 बजे तक ही बताया गया है कि होना है। तो हम लोग जो मैं पूजा करती हूँ वो ना ठीक पहली दिन की पूजा जो होती है उसी में सुबह के टाइम पे कलश स्थापना करते हैं और बाकी जो इतनी भी श्रद्धा हो आपकी उतना पूजा हम लोग करते हैं। तो कई लोगों को मैंने देखा है कि मतलब अमावस्या के दिन ही कलश स्थापन कर लेते हैं, तो ऐसा हम लोग नहीं करते। उसके बाद मैं चली गई मार्केट और मार्केट में मतलब ऐसे कुछ खास काम नहीं था, घर के कुछ सामान लेने थे वो मैं लेने के लिए चली गई थी। और मैं आपको ये रोड दिखाऊंगी ना, बहुत सुंदर लग रहा है आजकल, ये सब जगह ना मेट्रोज बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी की जा रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख करके। तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा और बस एंजॉय करते हुए मार्केट चली गई।
तो चलिए अब टाइम हो गया कलश स्थापन का, और जो जयंती हम लोग बोलते हैं जयंती गिराना, तो जयंती गिराने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा पीढ़ा रखा है, और ये पीढ़ा मेरा बहुत ही पुराना है, जो कि मैं हमेशा जब भी चौकी टाइप का कुछ लगाना होता है तो यही मैं लगाती हूँ। और इसके ऊपर से एक क्लीन कपड़ा मैं डालती हूँ, और ये कपड़ा घर में भी जैसे कई सारे कपड़े हम खरीद के रखते हैं ना, तो उसमें से भी आप ले सकते हैं। बस चौकी के ऊपर कवर करने के लिए कोई तो चाहिए आसन टाइप का। तो हमारे घरों में तो कंबल डाला जाता है, कंबल का ही आसन होता है, लेकिन क्योंकि ये माता की चौकी हम सुंदर से सजाते हैं तो थोड़ा सा कलरफुल कपड़ा मैंने डाल दिया है। और उसके बाद पीले चावल रखे हैं, और ये पीला चावल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस चावल आप लीजिए, उसमें हल्दी डालिए और हल्का सा पानी का छींटा लगा के, और फिर इसको ना आप मतलब थोड़ा रगड़ दे तो पीला चावल बन जाएगा। इसके ऊपर मैं बिठाऊंगी कलश। तो हम जैसे कई बार ना हम धान से भी करते हैं और चावल से भी करते हैं, तो दोनों ही चीज़ों से आप कर सकते हैं कलश स्थापना। तो यहाँ पर कलश स्थापन के लिए मैंने देखिए ये धागा बांध दिया इस लोटे के अंदर, और ये लोटा मेरा बड़ा ही पुराना सा है, और इसी में मैं हर साल कलश स्थापना करती हूँ। और इसमें बांध दिया रोली, और रोली को मतलब अच्छे से लपेट के, मतलब एक होता है ना कि कलरफुल हो जाए, तो बस वही करने के लिए यहाँ पे धागा बांध देते हैं। और मेरे हाथ से धागा ना कभी भी टूटता नहीं है, तो मैं कैंची से ही काट करके फिर करती हूँ। पता नहीं आप लोग इसको कैसे समझेंगे, लेकिन मतलब कभी भी होता है ना पतला धागा होता फिर तो मैं काट लेती तोड़ लेती हूँ, लेकिन जब मोटा होता है तो कट नहीं पाता। उसके बाद जब ये हो जाता है तो उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे कलश, मतलब जो जैसे कि आम के पल्लव होते हैं और उसके ऊपर से नारियल को कवर करके रखा जाता है। तो ये सब मैं धीरे धीरे करूँगी। तो अभी मैंने आम के पल्लव रखे हैं, और आम के पल्लव इस बार बहुत अच्छे मिल गए। यहाँ पर आम के पल्लव के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाऊंगी, और ये सिर्फ शुभ के लिए होता है। जैसे आप कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो ज़रूर हल्दी कुमकुम लगाएं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो मैं पत्तों के ऊपर लगा रही हूँ, साथ में लोटे के ऊपर लगा रही हूँ। मुझे विस्तृत पूजा इतनी ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन जो मैं हर साल करती हूँ बस उसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस यही सब चीज़ें करके, और उसके बाद फिर मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर आप लोगों से विदा ले लूँगी, लेकिन पहले आप पूरा पूजा देख लीजिए। उसके बाद फिर हमें जैसे जौ गिराना बोलते हैं, जयंती जमाना बोलते हैं, या खेतरी बोलते हैं कुछ लोग, मुझे पता नहीं। तो इसके लिए क्या करना होता है ना कि जो मिट्टी होती है ना थोड़ी साफ़ सुथरी मिट्टी हो, और साथ में जैसे कि आपके पास अगर मान लीजिए रेती है और रेती के साथ थोड़ी मिट्टी मिला करके, और फिर उसको आप मिला के डालेंगे ना तो जयंती बहुत अच्छी निकल के आती है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा मैंने बर्तन इस बार लिया है, और सोचा था इसको कलर करूँगी पर मुझे टाइम नहीं मिला इसको कलर करने का। तो इसके बाद जब इस मतलब जयंती का काम हो जाएगा ना, फिर ये जो नवरात्रे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं इस जो मटकी है ना उसको मैं शायद से कुछ ना कुछ इसका यूज़ करूँगी। तो आपको बताऊँगी कि इसका क्या यूज़ करूँगी, क्योंकि ऐसे ही कहीं पर रख दीजिए तो बेकार ही हो जाता है वो। और बस इस तरीके से मिट्टी को मैंने मिला दिया, और मिटाने के बाद फिर पानी जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के और इसको हल्का सा गीला कर लिया, लेकिन पहले मैं इसमें जौ डालूँगी, और जौ डालने के बाद फिर जल से उनको अच्छे से भिंगा दूँगी। फिर यहाँ पर मैंने लोटे में अलग से एक जल लेके आई, और उसके बाद गंगाजल, ये देख रहे हैं गंगाजल थोड़ा सा डाला, और इसी जल से अब हम रोज़ इस जौ के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करेंगे तो जयंती अपने आप ही निकल जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से जमाते हैं। उसके बाद थोड़े से आम के पल्लव बच गए थे मेरे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे थोड़ी सी सजावट कर लूं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर आम के पल्लव को मैंने क्या किया कि ऐसे ही रख दिया, मतलब दो तीन पत्ते ही थे जो साफ़ सुथरे थे। इसके बदले आप पान के पत्ते भी रख सकते हैं, आप पान के पत्ते का अगर चढ़ाते होंगे तो आप रखिए, हम लोगों में इतना नहीं होता, तो इसलिए मैंने सिर्फ आम के पल्लव से सजाया है।
और यहाँ पर ये मैंने लाई हूँ वो जो अखंड ज्योत के लिए जो होती है ना बाती, वो तो यहाँ पे 5-6 का सेट मिला था मुझे, तो उसमें से एक बाती आज लगा दूंगी, तो ये आराम से मेरा ना 2-3 दिनों तक चल जाता है। तो थोड़ी सी ये मोटी होती है, लेकिन इसको आप अलग अच्छे से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। और अखंड ज्योत जलाने के लिए ना आपका दिया थोड़ा बड़ा होना चाहिए और उसका ढक्कन भी ज़रूर होना चाहिए, तो अच्छे से वो हो जाता है। अब यहाँ पर मैं जो तेल इसके अंदर डाल रही हूँ वो तिल का तेल है, आप घी भी डाल सकते हैं, आप सरसों तेल भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आप चाहे कोई भी तेल यूज करें। हाँ, लेकिन ये होता है कि घी से थोड़ा सा ज़्यादा देर तक टिकता है। इतनी तैयारी मैंने कर ली है, अब करूँगी पूजा, तो पूजा वाला जो टाइम है वो मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करूँगी, तो बस यहाँ पे अब थोड़ा सा दिया जलेगा, अगरबत्ती जलाऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, फूल माला चढ़ाऊंगी और माता को यहाँ पे बिठाऊंगी। तो यही सब कुछ करके और फिर आज की जो पूजा है वो थोड़ा कम होता है, फिर आगे जैसे जैसे हम इसमें बढ़ेंगे तब धीरे धीरे पूजा और बढ़ती जाएगी। और हम लोग सुबह के टाइम सिर्फ कलश स्थापन करते हैं और आज शाम को हम लोग फिर अच्छे से पूजा करेंगे। तो चलिए, जितना मैंने किया शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। और इस बार ना मैंने ये धूप अगरबत्ती दिखाने के लिए, धूप दिखाने के लिए ये खरीद के लाई हूँ, इसलिए मुझे कभी मिल नहीं रहा था और ये बहुत सुंदर लगता है। जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे घर में ये था, लेकिन बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था, पर अब मिल गया आखिरकार। तो इसमें मैं करूँगी हवन या जो भी मतलब धुआं वाली चीज़ें होती है ना वो करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि नहीं बोला है, तो हैप्पी नवरात्रा 2023 एंड हैप्पी दुर्गा पूजा भी 2023, और मुझे भी आप बोल सकते हैं। तो इसी के साथ आज की मतलब पूजा जो है सो ख़त्म होती है, फिर कल की पूजा होगी, लेकिन रोज़ पूजा नहीं दिखाऊंगी, आज फर्स्ट डे था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। इसके बाद फिर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। आप लोग त्यौहार मनाइए, खुश रहिए, खाइए पीजिए और